सब्सक्राइब करें मास्टरमाइंड टेक चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारे टेक्निकल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो बहुत से बार हमारे मन में ये सवाल आता है कि कार्बोरेटर का सेटिंग कैसे करते हैं, कार्बोरेटर का एडजस्टमेंट कैसे करते हैं, कार्बोरेटर के जो नट होते हैं, एक आइडलिंग नट होता है और एक मिक्सचर नट होता है, उसका जो बैलेंस है वो कैसे रखते हैं, उनको कैसे सेट करते हैं। मुझे बहुत से दोस्तों ने भी ये सवाल पूछा कि वो कैसे करते हैं। मैं उनको बोला कि मैं वीडियो तैयार करके आपको दिखाऊंगा, इसलिए मैं ये वीडियो अभी शूट कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स चलिए अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि कार्बोरेटर में क्या क्या पार्ट्स होते हैं और उसको कैसे सेट करना होता है। वो सेट करने से पहले मैं आपको बताऊंगा कि कार्बोरेटर का जो आइडलिंग सेट करने से पहले आपको गाड़ी है जो नॉर्मल रनिंग टेम्परेचर पे रखनी है, मतलब आपको वो गाड़ी एकदम ठंडी नहीं होनी चाहिए। एक 2-4 किलोमीटर आपको चला के वो गाड़ी बाद में आइडलिंग सेट करना है। उसके बाद गाड़ी में पूरा जो बहुत सा फुल फ्यूल होना चाहिए, बहुत सा मतलब एकदम कम नहीं होना चाहिए, 0.5 लीटर या 1 लीटर वो पूरा सप्लाई हो, इतना 1 लीटर से ज्यादा फ्यूल होना चाहिए, तभी आपका आइडलिंग अच्छा लगेगा। ठीक है, तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये है हमारी गाड़ी का कार्बोरेटर। ये जो कार्बोरेटर होता है इसमें ये वाला जो होता है वो आइडलिंग स्क्रू होता है। आइडलिंग स्क्रू मतलब इससे हमारा आरपीएम जो होता है गाड़ी का वो कम ज़्यादा होता है। ये सेम हमारा एक्सीलरेटर से जॉइंट होता है, जब भी हम एक्सीलरेटर देते हैं ये ऊपर आता है, ये भी यही काम करता है कि इसको ऊपर ढकेलने का। ठीक है, उससे हमारा आरपीएम बढ़ता है। उसके बाद जो स्क्रू होता है वो मिक्सचर स्क्रू होता है, वो सभी गाड़ी में ये होता है और जो सभी कार्बोरेटर्स वाली गाड़ी है उसमें होता है। और ये जो है ये अभी मेटल का होता है, पीतल का होता है और ये ऐसा येलो कलर में होता है। तो दोस्तों अभी ये तो हमारा आइडलिंग हो गया, इससे हम गाड़ी का आरपीएम सेट करते हैं। लेकिन ये जो मिक्सचर स्क्रू है ये क्या करता है, मिक्सचर स्क्रू इसके नाम में ही है, ये मिक्सचर का काम करता है। गाड़ी को इंजन के लिए जो कम्बशन होता है, जो पेट्रोल जलता है, उसके लिए हवा और फ्यूल मतलब पेट्रोल की जरूरत होती है। तो ये जो स्क्रू है वो पेट्रोल जो जाता है इंजन में उसका जो सेटिंग होता है कम ज्यादा वो करता है। ये जो हमने अगर क्लॉकवाइज घुमाया तो इंजन में जो पेट्रोल जाता है वो कम जाता है, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो जो इंजन में जाने वाला पेट्रोल है वो ज़्यादा जाता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें ज़्यादा माइलेज चाहिए तो हम पूरा टाइट कर देंगे तो ज़्यादा माइलेज नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, अगर समझो एक आदमी है वो रोज 2 रोटियां खाता है, अगर उसे हम कम रोटियां देंगे तो वो काम नहीं करेगा, और अगर 2 की जगह 4 देंगे तो ज्यादा काम करेगा, ऐसा तो नहीं होगा, उतना ही काम करेगा या फिर उससे कम भी काम कर सकता है, क्योंकि गाड़ी को जितनी जरूरत है उतना ही हमें फ्यूल देना है एयर के साथ। इसलिए जो ये जो मिक्सचर स्क्रू होता है वो एक जगह ऐसी ही होती है, उसमें एक लोकेशन ऐसा होता है, उसमें आरपीएम जो होते हैं गाड़ी के वो एकदम स्मूथ होते हैं और एकदम ज्यादा है होते हैं, उसी जगह उसे रखना है। अगर हम ज्यादा उसे लूज करते हैं मतलब एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं तो आरपीएम कम होते जाते हैं। मैं आपको आरपीएम लगा के दिखाऊंगा तब आपको समझ में आ जाएगा। तो मेरे कहने का यही मतलब है, क्योंकि इसको अगर टाइट करेंगे तो गाड़ी कम पेट्रोल खाएगी, ऐसा नहीं है लूज करेंगे तो ज्यादा खाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन इसे जो है एग्जैक्ट पोजिशन पे रखना है तभी हमारी गाड़ी अच्छा माइलेज देगी और अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि इंजन को जितनी फ्यूल की जरूरत है उतना ही हमें देना है, उससे कम भी नहीं देना है, उससे ज्यादा भी नहीं देना है। ठीक है दोस्तों, अभी मैं आपको इसके एडजस्टमेंट करके दिखाने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, अभी ये मेरी गाड़ी है, मैंने इसे 1-2 किलोमीटर चला के लेके आया हूँ, और ये जो पेट्रोल है उसमें ये फूल है पेट्रोल। ठीक है, और जो पेट्रोल का कॉक है वो हमें देखना है, एडलिंग लगाने से पहले पेट्रोल का कॉक पूरा ऑन है, और जो चोक होता है वो देखना है हमें, पूरा चोक बंद करना है हमें। कभी कभी क्या होता है हमारा चोक आधा वगैरह रह जाता है और उससे भी आइडलिंग सेट नहीं होता, पूरा चोक मैंने क्लोज कर दिया है। ठीक है, अभी मैं गाड़ी चालू करूंगा, ये गाड़ी मैंने चालू कर दी। अभी ये इसका आइडलिंग तो ठीक है, मैं थोड़ा इसका आइडलिंग है वो घुमा देता हूँ, बाद में आपके समझ में आ जाएगा कि कैसे लगता है। अभी आप गाड़ी की आवाज़ सुनोगे तो जो आवाज़ है उसमें जो पल्स है वो अच्छी नहीं, एक ज़्यादा एक कम ऐसा आपको सुनाई देता है, और आरपीएम हम देखेंगे
तो आरपीएम का काटा भी फ्लक्चुएट होता है। मैं जरा ज्यादा आरपीएम बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। ये गाड़ी वाइबल होती है, लेकिन आरपीएम जब हम अच्छा सेट करते हैं, एकदम करेक्ट सेट करते हैं, तब गाड़ी वाइबल नहीं होती। ठीक है दोस्तों, अभी मैं इसका जो आइडलिंग का नट है, आइडलिंग बढ़ा दूंगा। आइडलिंग हमें रखना है तकरीबन 3 से 4 हजार तक। मैंने ये 3 हजार पे रख दिया। ठीक है दोस्तों, अभी हमने ये पूरा टाइट करना है, मतलब क्लॉकवाइज घुमाना है। ये देखो, लेकिन गाड़ी हमें बंद नहीं पड़ने देनी, जब बंद पड़े तो उल्टा घुमाना है। अभी देख रहे हो आप गाड़ी कितने वाइबल कर रही है। अभी हम लूज करते करते एक पॉइंट ऐसा आएगा जिधर गाड़ी हमें बहुत स्मूथ लगेगी और गाड़ी का आरपीएम भी एकदम स्टेबल होगा और ज्यादा होगा। ये देखो इधर हो रहा है, लेकिन फिर आरपीएम कम आ रहे हैं। अभी मैं आपको आरपीएम मीटर पे जाके देखा था। ये देखो, ये ऐसा फ्लक्चुएट नहीं होना चाहिए। ये देखो दोस्तों, इधर रह रही है, इससे थोड़ा ज्यादा करके देखते हैं। हाँ, इधर उससे अच्छी रह रही है। नहीं, उधर ही अच्छा है। अगर हम लूज करते हैं तो कम हो जाती है, तो उस पॉइंट पे हमें उसके पिछले पॉइंट पे ही रखना है। इधर अच्छी हो रही थी, ये देखो एकदम आरपीएम स्टेबल रह गए है। और आरपीएम देखो, हमने आरपीएम 3000 पे सेट किया था, लेकिन आरपीएम ऑटोमेटिकली बढ़ गए। इससे क्या होता है, इंजन का परफॉर्मेंस है वो उतना अच्छा हो गया। पहले हमने रख दिया था किधर 3000 पे, लेकिन उसमें पेट्रोल तो उतना ही जा रहा था, हमारा जो एक्सीलेटर था उतना ही था, लेकिन एडजस्ट करने के बाद जो बढ़ गया है। अभी हम नॉर्मल पोजिशन पे आइडलिंग कम करते हैं। ये देखो दोस्तों, और चाहिए तो और आप कर सकते हो, लेकिन 1100 तक आरपीएम नॉर्मली रखना होता है। लेकिन ज्यादा कम करेंगे तो स्टार्ट में आपको एक्सीलेटर ओढ़ना पड़ेगा बार बार। ये देखो इतना रख दिया, गाड़ी बंद करता हूँ और स्टार्ट होती है क्या देखता हूँ पहले सेल्फ में। ये देखो पहली सेल्फ में गाड़ी स्टार्ट हो गई, फिर से एक बार दिखाता हूँ। ये बंद कर दी, ये देखो सिर्फ ये दबाने पर ऑन हो रही है। दोस्तों आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, ये वीडियो है आपके दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि उनको भी पता चलने दो कि कार्बोरेटर कैसे एडजस्ट कर सकते हैं और हम खुद घर में अपनी गाड़ी का कार्बोरेटर एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये और मेरा चैनल जो है मास्टर माइंड टेक, उसमें मैं ऐसे ही वीडियो डालता हूँ गाड़ियों की, अदर कंप्यूटर मोबाइल्स के वगैरह, वो सब्सक्राइब कीजिए। और मन में कोई भी सवाल हो, सुझाव हो तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उस पर रिप्लाई जरूर दूंगा। थैंक यू दोस्तों वेरी मच।